गोली मार, चार पांच आ गए। की लगभग 4:30 बज रहे थे। कटिहार का हरिगंज चौक अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ थी, लोग सब्जी खरीदने में व्यस्त थे, लेकिन तभी चारों ओर गोलियों की तड़तराहट होने लगी। लोग घबरा गए, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। क्या दुकानदार, क्या ग्राहक, सब लोग इधर उधर भागने लगे। गोलियां लगातार चल रही थी। गोली चलाने वाले कुछ अज्ञात अपराधी थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे। गोलियां चलाई जा रही थी छोटू पुद्दार पर, जो निगम पार्षद पति भी हैं और पहले कई आपराधिक मामलों में इनका नाम भी शामिल है। अभी हम मौजूद है हरिगंज चौक पर। अब से कुछ देर पहले यानी कि ठीक 4:30 बजे नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं छोटू पोद्दार वार्ड नंबर 45 के, उसके ऊपर अभी से ठीक मतलब 4:30 बजे जो यहां पर गोली चली थी, ये वही स्थल है। अभी हम यहां पर मौजूद देख सकते हैं कि यहां पर ये कांच फूटा है। ठीक वो गाड़ी पे बैठे हुए थे, लोगों ने जो गोली चलाई होगी तो उनका कांच पहले फूटा है, यही वो स्थल है, यहां पर गोली चला था। हालांकि पुलिस के द्वारा इस चारों बगल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं नाकाबंदी कर दिया गया है और अपराधियों की तलाश अभी भी जारी है। गोली किसने चलाई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन गोली चलाने वाले अपराधियों ने छोटू पोद्दार पर इतनी गोलियां चलाई कि उसका शरीर छलनी छलनी हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस गोलीबारी में कुल 3 आदमी को गोलियां लगी है, जो छोटू पोद्दार के साथ उसी की गाड़ी में सवार थे। इन तीनों में से छोटू पोद्दार के अलावा प्रीतम चौधरी की भी मौत हो गई है, जबकि तीसरे व्यक्ति उदीप पोद्दार का इलाज चल रहा है। उदीप पोद्दार छोटू पोद्दार का भेगना बताया जा रहा है, जो गाड़ी चला रहा था। क्या हुआ था हमको बताओ, क्या हुआ था, क्या हुआ, क्या था? गोली मार। कौन गोली मार दिया? इन्हें देखे सिर्फ हरिगंज चौक के पास। कितने लोग थे? 4-5 आदमी। आप लोग कितने लोग थे गाड़ी पे? 3 लोग। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कोर्ट से आ रहे थे। अच्छा, आप लोग कितने थे गाड़ी में? 3 आदमी। कौन कौन? हम थे प्रीतम भैया था, मेरा मामा था छोटू पोद्दार। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? कोर्ट से। अच्छा, कहाँ, कैसे हुआ घटना? ईटा चलाया ना, ईटा चला के जब गोली चलने लगा, जब हम मुंडी नीचे कर लिए, जब मेरा पीछे में लग गया गोली, तो उसके बाद खाली हम ऐसे पूरा दम सांस रोक दिए, तो खाली आवाज़ सुने, एगो बोला क्या मारो रे, इधर आके मारो रे, उसके बाद बहुत चला, सब शीशा फूट गया गाड़ी का। एगो बोल जब लग गया गोली, बोलता मर गया भाग रहे भांजा। आप भी वही थे ना? हाँ, हम भी गाड़ी चला रहे थे। इतना ही नहीं, जिस 4-व्हीलर गाड़ी पर छोटू पोद्दार सवार था, उसके शीशे भी चूर चूर हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटू पोद्दार 4-व्हीलर गाड़ी पर सवार था, तभी सामने से बाइक पर सवार कुछ अपराधी आए और छोटू पोद्दार की 4-व्हीलर पर गोलियां बरसाने लगे। देखते ही देखते गाड़ी के शीशे टूट गए और कई गोलियां छोटू पोद्दार के शरीर में जा घुसी। अपराधी गोलियां बरसाकर वहां से चलते बने। अपराधियों के चेहरे पर कपड़े बंधे थे, इसलिए कोई इन अपराधियों को पहचान भी नहीं पाया। छोटू पोद्दार गंभीर रूप से घायल हो चुका था, उसे हाथों हाथ कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन अफसोस उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। जैसा कि लोगों का मानना है कि छोटू पोद्दार 2 व्यक्ति के साथ थे, एक छोटू पोद्दार थे, एक साथ में उसका प्रीतम चौधरी था। इस गोली की घटना में छोटू पोद्दार और प्रीतम चौधरी दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि जैसा लोगों का कहना है कि छोटू पोद्दार अपनी गाड़ी से थे और जो अपराधी है वो बाइक से आए थे, जो अचानक उस पर यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, काफ़ी जाम रहता है, ये जो इलाका है क्योंकि सब्जी मंडी का इलाका है, यहाँ पर से अक्सर जाम रहता है, तो जाम के कारण वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी। जो बाइक सवार जो अपराधी थे उन्होंने ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इस इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह छापेमारी जारी है। हरिगंज चौक से मैं गुड्डू से KBC न्यूज के लिए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर थाना पुलिस पूरे दलबल के साथ पहुंच गई। गोलियों की बारिश के बाद पूरा इलाका पहले ही सुनसान हो चुका था। पुलिस ने इलाके के चारों ओर से नाकेबंदी कर दी है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार स्वयं भी मौके पर पहुंच चुके हैं और बड़ी गहराई के साथ मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। आज कटिहार जिला के नगर थाना अंतर्गत एक अपराधी है, कुख्यात अपराधी छोटू पोदार और उसके साथ एक सहयोगी थे, दोनों लोग जो है यहीं से जा रहे थे तो उन्हीं लोगों की जो है गोली मारी गई और गंभीर रूप से जो है लोग घायल हो गए। और अभी जो सूचना मिल रही है कि उनका डेथ हो गया है। इसमें जो छोटू पोदार है वो अंतर्राज्यीय अपराधी है, दर्जनों हत्या लूट डकैती के कांड जो है उस पर दर्ज है और अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है रंगदारी के केस में। इसमें बहुत सारे एंगल हैं, कुछ एंगल बहुत स्ट्रांग है और हम लोग को कुछ क्लू भी मिला है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग इस कांड का विभेदन कर लेंगे। कितने की संख्या में अपराधी थे सर, ऐसा कुछ पता चल पाया है? जो यहाँ पे बता रहे थे लोग कि मोटरसाइकिल से जो अपराधी थे तो संभवतः 3-4 संख्या में होंगे, उस पर हम लोग जो वर्क कर रहे हैं। या छोटू पोदार बाइक से थे या फोर व्हीलर से थे सर? जो बताया जा रहा है कि वो फोर व्हीलर से थे, गाड़ी से थे। कटिहार में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। नगर थाना क्षेत्र के हरिगंज चौक पर पार्षद पति छोटू पोदार और उनके सहयोगी प्रीतम चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि उनके चालक को भी गोली लगी है जिनका इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि छोटू पोदार अपने सहयोगी के साथ कोर्ट से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, इसी दरमियान ताबड़तोड़ अपराधियों ने गोली चलाई और उनके गाड़ी को क्षति करते हुए उन्हें भी गोली मार दी और कई फायरिंग हुए जिस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि उस इलाके को पूरी तरह से पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, पुलिस अधीक्षक खुद उस इलाके का मुआयना भी किए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अपने सहयोगी रवि झा के साथ मैं करण कुमार, KBC न्यूज के लिए। छोटू पोदार को लेकर हम आपको एक और जानकारी दे देगी। छोटू पोदार ने आज सुबह ही एक ठंड से कपकपाते गरीब व्यक्ति को न सिर्फ पैसे दिए बल्कि उसे ले जाकर रैन बसेरी में भी सोने की जगह भी दिलवाई थी। देखिए, हम लोगों को कई दिनों से सूचना मिल रहा था कि भट्टा टोला ओवर ब्रिज के पास वार्ड नंबर 45 में एक असहाय लोग जिसका कोई नहीं है वो ठंड से ठिठुर रहा था, तो हमें सूचना मिला तो मैं अभी आया, आ करके देखा तो सही बात था और वो बेचारा ठंड से किस तरह कांप रहे हैं। तो इसको अभी हम ले जा करके सदर अस्पताल में कहीं पे रन बसेरा है जो सरकार के द्वारा प्रमोटेड है, मैं उनको वहीं पे ले जा करके इसको बढ़िया से रहेगा वहाँ पे ठंड भर अपना, उसके बाद जहाँ जाना होगा जाएगा भाई साहब। हाँ, हमको जहाँ सूचना मिलेगा हम ऐसे लोगों को उठा करके ले जा करके रन बसेरा में डालेंगे, ठीक है? जो भी कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सेवा का भाव नहीं करते हैं ना, कोई बात नहीं है, जिसको अच्छा लगे वो करेगा, जिसे अच्छा नहीं लगे वो नहीं करेगा। और हमको जहाँ भी मिलता है आप लोग सूचना दीजिए, हम अपने साथ में ले जा करके इनको रन बसेरा में या अपने किसी भी जगह बढ़िया जगह पे इनको ले जाके हम रखेंगे। अभी तो ठंड बहुत है, देखिए किस तरह कांप रहा है, ये मर भी सकता है अगर इसको बढ़िया सुविधा नहीं दिया जाए तो। क्या नाम है? मेरा नाम छोटू पोदार, समाज सेवी, वार्ड नंबर 45।